पाया जाना चाहिए। खरगोन में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद मुजालदा ने 5 लोगों के साथ आकर अपना नामांकन भरा। आज खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मुजालदा ने अपना नामांकन भरा। उसके साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष झुमा सोलंकी, खरगोन विधायक रवि जोशी सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। डॉक्टर मुजालदा ने 2018-19 की अपनी आय 22,32,070 रुपये दर्शाई है और कुल संपत्ति 58 लाख बताई। उन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत अच्छा मिल रहा है अपने को, और ये फार्म है अभी तो हमने जस्ट मुहूर्त के हिसाब से भरा, इसलिए कार्यकर्ताओं की भीड़ लेके नहीं आए। और जो अगला फार्म भरेंगे वो 29 को, उसमें हम पूरी अपनी सभी कार्यकर्ताओं के साथ में फार्म दाखिल करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में वही सामान्य मुद्दे हमारे जो रूटीन के हैं, गरीबों के लिए जो सरकार की योजनाएं बनाने जा रहे हैं हम, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और किसानों की जल की पानी की जो पीने की पानी या सिंचाई के लिए है, इसके लिए आवागमन के साधन जैसे रेलवे का है। सर, सुखलाल परमार जी ने भी फार्म भरा है और वो भी चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, जयेश समर्थन भी दे रहा है, क्या कहेंगे आप? जयेश का समर्थन तो पूछ लीजिए आप, किनको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। वैसे हमारे साथ में सभी लोग हैं, सभी संगठन हैं, और सभी जो राजनीतिक मतलब राजनीति हमारी जो पार्टी है उसमें सभी लोग हमारे साथ में हैं। कितना समर्थन मिल रहा है जनता के बीच जा रहे हो तो आप? भरपूर समर्थन, आप देखिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई जा रहा है, ऐसा है। सुखलाल भाई भी मान गए हमारी बात, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं।